इस टॉपअप पे आए हैं आपके पास, एक हम लोग का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। यहाँ एक महान घर का आरंभ आप लोग कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ ऑडियंस को तो बताना चाहते हो कि कब इसका आरंभ हो रहा है और ये कब जल भरी और कितना दिन प्रवचन चलेगा, तो ये आपके बात द्वारा ये ऑडियंस के पास हम लोग पहुँचाना चाहते हैं, तो आप लोग कुछ ऑडियंस के बारे में बताइए। जी जी जी, क्या आपने पूछा? मतलब ये आप प्रवचन कितना दिन यहाँ पर चलेगा और कहाँ पर ये हो रहा है और उसके बाद जलभरी कितना तारीख को है और हवन कितना तारीख को, पूरा ऑडियंस को आप थोड़ा डिटेल बता। जी 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 हाँ, दरअसल हम लोग अभी जहाँ पर हैं इस स्थान को कोढ़ीगुला प्रखंड में आता है, नावाडी है गाँव बाल पर है ये कार्यक्रम हो रहा है जी। और ये चातुर्मास आप सुने होंगे, चातुर्मास की एक प्रथा है, विधि है, विधान है, अनादि काल से ऋषि मुनि आदि जो है सब चातुर्मास करते हुए आए हैं, उसी परंपरा में आज भी महात्मा लोग साधु संत महापुरुष आदि जो है चातुर्मास करते हैं। चार महीने तक भगवान विष्णु का यजन साधना आराधना पूजन पाठ आदि करते हैं और नियम होता है कि एक क्षेत्र को छोड़ करके कहीं दूसरे जगह नहीं जाना चाहिए, तो चार महीना ये साधना का ये समय होता है। जैसे कि हमारे भगवान भी चार महीने तक राजा बलि के दरवाजे पर रहते हैं आठ महीना में काम में, तो उसी वाले चातुर्मास यहाँ पर प्रारंभ है। अब चातुर्मास इस वक्त पाँच महीने का हो रहा है, अधिक मास लगने की वजह से पाँच महीने का हो जाएगा, मलमास जिसको कहते हैं, अधिक मास कहते हैं। तो यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है प्रवचन का कार्यक्रम, यानी कि लगभग पाँच महीना होगा। ये कब से बाबा चालू है प्रवचन? ये प्रारंभ है, ये प्रवचन प्रारंभ हो गया है, यानी कि मई में है ना, सात मई से कथा प्रारंभ हो गई है और ये कथा चलेगी 29 अक्टूबर तक। 29 अक्टूबर 23 तक जी है ना, 29 अक्टूबर तक मैंने प्रवचन यहाँ से चलेगा और 29 से ही फिर उधर में जैसे बड़े बड़े धर्माचार आएंगे तो कोई महर्षि वाल्मीकि रामायण रामा कथा करेंगे मानस के द्वारा, कोई रामायण की कथा करेंगे वाल्मीकि रामायण की कथा, कोई महापुरुष भागवत के, कोई गीता के, कोई विष्णु पुराण आदि के प्रवचन करेंगे। तो वो जो यज्ञ का आपने जो चर्चा किया, तो ठीक यज्ञ जो है 31 तारीख को शोभा यात्रा है, जल यात्रा है 31 तारीख को, हाँ 31 यानी अक्टूबर को, और 1 नवंबर से लेकर 23 को जी जी, और 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक यज्ञीय कार्यक्रम होगा है ना, जिसमें 1000 कुंड है, 1000 कुंड है। अब मंडप की बात है, देखते हैं, मैं तो सोचा था कि 500 मंडप बनवाऊंगा, लेकिन बता रहे थे मिस्त्री वगैरह को स्वामी जी जगह कम है, इसमें 200 से ज़्यादा नहीं बन सकते, 250 से। तो बाबा जहाँ तक हम लोगों ने यहाँ पर देखा, ये निरीक्षण किया, ये जितना भी है समतल में रेत ही रहते हैं, यहाँ तो कोई ऑडियंस का दिक्कत नहीं होना, जितना भी श्रद्धालु लोग आएंगे जी, जो वाटर प्रूफ आपने पंडाल भी प्रबंध ये करा चुका है, लेकिन कुछ दिसंबर में होते कुछ ठंडा का मौसम कुछ आता है जी जी, तो उसके लिए दरअसल क्या है, गद्दा है, रजाई है, कंबल है, सारी व्यवस्था दी जाएगी, 200-250 शौचालय बाथरूम भी बनाया जाएगा, आने वाले अतिथि साधु संत या जो भी लोग हैं गृहस्थ लोग आएंगे तो वैसे कोई अब व्यवस्था नहीं होगी। रही बात बारिश की, तो बाल है यहाँ पर, तो कोई बारिश कितना भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तो जी लगभग व्यवस्था। और रही बात पंडाल की, तो पंडाल तो बहुत सारे हैं है ना, यही पंडाल हैं, इस तरह से कम 10-15 पंडाल होंगे, कहीं संतों के निवास, कहीं भोजनालय, कहीं प्रसाद पाने के लिए, कहीं अतिथियों के रहने के लिए, इस प्रकार से सारी व्यवस्था ठीक ही है, लगभग जो है कोई परेशानी नहीं होगा, अतिथि वगैरह जो भी आएंगे है ना गेस्ट वगैरह, तो अनुकूल व्यवस्था रहेगी जी जी। तो ये बाबा एक ऑडियंस को आपके द्वारा ये जो मैसेज जाएगा, तो यहाँ पर कितना ऑडियंस मतलब कितना दर्शक लोग यहाँ पर मतलब बैठ सकते हैं, कितना दर्शक का यहाँ अटावा हो सकता है कुछ? जैसे अब ये तो क्या कहा जाए, फिर भी जो है मेरा अनुमान है कि 1-1.5 लाख तो प्रतिदिन भीड़ यहाँ पर होगी, प्रतिदिन प्रतिदिन अभी जो मान अभी तो 2000 की संख्या में लोग आते हैं चले जाते हैं, उस समय जो है 1-1.5 लाख 2 लाख है ना, और जैसे साउथ से कुछ संत लोग आएंगे, दक्षिण भारत से जी 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 है ना, साउथ इंडियन से भी लोग आएंगे, और अपने उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड आदि आदि पुष्कर प्रयागराज वृंदावन मथुरा हरिद्वार हर क्षेत्र से इसमें विरक्त संत महंत धर्माचार्य जगत गुरु आएंगे और उनका भी प्रवचन का भी लाभ लेंगे। और जहाँ तक बात रही तो हमसे लोग भी चर्चा किए थे बागेश्वर वाले का, तो बागेश्वर वाले का भी लगभग एक निश्चय ही है, वो एक दिन के लिए आए चाहे 2 घंटे के लिए आए चाहे एक दिन के लिए जरूर आएंगे वाले बाबा आ रहे हैं। जी 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 वो भी आएंगे है ना,
और कई संत अनिरुद्धाचार्य आदि जो है और रमेश भाई ओझा, हमारे गादी स्वामी जो हैं, अनंताचार्य स्वामी जी, ये सब लोग आएंगे, बालक स्वामी आएंगे, तो सब साउथ अफ्रीका का ना। बाबा मैंने बोर्ड पर पढ़ा बाहर में कि जो बाबा आने वाले हैं उन पर पुष्प वर्षा किया जाएगा। अच्छा, हाँ हाँ, तो जैसे जी जी बाबा हैं इनके लिए पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर द्वारा किया जाएगा, ये थोड़ा आप ऑडियंस को बता दें। पुष्प वर्षा की बात ये है, जैसे जब यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा तो यहाँ तो नारायण का निवास होता ही है, क्योंकि यज्ञ सर्व काम भूक ऐसे वेद आदि ग्रंथों में आया है, यज्ञ समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। अब प्रत्यक्ष में यदि देखा जाए तो देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, देवता मंत्र के अधीनस्थ होते हैं, तो आचार्य जो होंगे यज्ञाचार्य मंत्र पढ़ेंगे, अब मंत्र के माध्यम से देवताओं का वाहन होगा, देवता लोग रहेंगे, तो उन देवताओं पर पुष्प वृष्टि कराई जाएगी, साधु संत महात्मा जो आएंगे उनके भी उन पर भी बरसात होगी, पुष्प वर्षा की जाएगी, तो ज़रूर ज़रूर जो है ये, तो ये मन में विचार के मंडप में सारे भूदेव लोग रहेंगे, भगवान का आवाहन हुआ रहेगा, उसी से पुष्प वर्षा कर दिया जाए परमात्मा की प्रसन्नता की दृष्टि से, है ना, और साधु संतों का भी दर्शन का लाभ सौभाग्य प्राप्त होगा। ये थोड़ा सा बता दीजिए, जैसे आपका अक्टूबर मंथ में बताएं कि यहाँ पर जो जलभरी का कार्यक्रम होगा, 21 अक्टूबर या कितना तारीख बताएं? जी 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 हाँ, 31 अक्टूबर को जल यात्रा है जिसको शोभा यात्रा कहते हैं, और 1, 2, 3, 4, 5 नवंबर तक यज्ञ चलेगा, 5 को पूर्णाहुति हो जाएगी। प्रवचन ये आपका कब से चल रहा है यहाँ पर? अभी तो लगभग 1.5 महीना हुआ। हाँ हाँ, मतलब मई से आपका ये मई से यहाँ पर रेगुलर प्रतिदिन कितना बजे? भले अभी तो वही 5 बजे से 7 बजे तक हुआ करती है। जी जी, 5 दूर के देख रहे हैं, काफ़ी लोग अभी भी जाम लगे हैं, अभी तो आपका 5 बज रहा है, लेकिन हाँ सर हैं जी जी, श्रद्धालु लोग हैं कि यहाँ पर आकर प्रवचन सुनने के लिए। जी जी हाँ, शाम को प्रवचन में भी लोग आते हैं, प्रातःकाल आरती में भी लोग आते हैं, और सारे क्षेत्रीय लोग आते हैं, आसपास के कस्बा वाले भी लोग आते हैं, तो प्रवचन तो ये प्रतिदिन लगभग 1.5 से 2 घंटे की होती है, 5 से 7 के अंदर में कथा होती है, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आ करके सभी लोग सनातन मतावलंबी हैं, धर्मावलंबी हो, सनातन प्रेमी जो है, जो न सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, उनसे मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि एक साथ में सैकड़ों सैकड़ों के तादाद में संत महापुरुषों का आगमन होगा, जरूर आकर के उन महापुरुषों का दर्शन करें, यज्ञ नारायण का परिक्रमा कर लें और प्रसाद लें, क्योंकि कलयुग में इससे बड़ा और कोई साधन नहीं है, यही सर्वोत्तम साधन है, संतों का दर्शन हो, यज्ञ नारायण वगैरह का दर्शन हो जाए, प्रसाद लिया जाए, इससे जरूर हमारे जीवन में बदलाव परिवर्तन होता है, और सही में तो मनुष्य शरीर का भी लक्ष्य यदि कहा जाए तो यही लक्ष्य है, उद्देश्य भी यही है, तो मैं सबसे कहूँगा सनातन प्रेमियों से कि जरूर आकर के इन सभी महापुरुषों का दर्शन करके, यज्ञ नारायण का परिक्रमा करके, और अपने जीवन के लाभ जरूर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, जी, जी अपने बाबा जी, जी, ये जो विचार इनका प्रकट किए आप लोगों के सामने, जो कि आइए आप लोग इनका प्रवचन सुनिए, बाबा का कुछ अच्छा सुनिए, और टोटल आपको हम पंडाल का आपका दृश्य चल के दिखलाते हैं, कितना बहुत बड़ा एक यहाँ पर समझ लीजिए, बहुत बड़ा यहाँ पर योग का प्रोग्राम किया गया है, और वो श्रद्धालु जो हैं दूर दूर से आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से, बाबा ने बताया तो बागेश्वर वाले बाबा भी आने वाले हैं, उनको कोशिश किया जाएगा तो कुछ ही समय के लिए पर यहाँ पर लाया जाए, लेकिन लाया जाए तो कुछ चल कर आप लोग का पंडाल का कार्यक्रम और व्यवस्था आप लोग को बतला रहे हैं, बहुत सारा यहाँ पर बहुत सारा यहाँ जगह है, तो यहाँ पर जगह का दिक्कत नहीं। ठीक बाबा जी जी, ठीक जी जी, नारायण नारायण।